यार मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। और कितना वक्त चाहिए आपको राशिद? मैं आपको पूरे 17 बरस दे चुकी हूँ। इन 17 बरसों में मैंने आपसे कभी कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझसे दूर जाने का फैसला आपका है। लेकिन अब जब मुझे ये पता चल रहा है कि ये फैसला आपका नहीं था और इसके पीछे कोई और वजह थी, तो वो वजह क्या थी ये जानने का मुझे पूरा हक है। आज नहीं तो कल असद पूरी सच्चाई का पता जरूर लगा लेगा, मगर इससे पहले मैं आपकी जुबान से सच सुनना चाहती हूँ राशिद। आखिर वो क्या वजह थी जिसने मुझसे मेरी सारी जिंदगी छीन ली, मेरा घर तबाह कर दिया? वो क्या वजह थी राशिद? किस्मत दिलशाद, किस्मत, किस्मत ने मुझसे कुछ ऐसा करवाया जिसने जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। नहीं राशिद, आप गलती से भी ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं जो गुनाह कहलाए। आप जरूर किसी और का गुनाह अपने सर पे ले रहे हैं, है ना? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्योंकि हेलो राशिद मिया, गुड़िया फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो गई है, आपको इसी वक्त वहां पहुंचना होगा। क्या हुआ राशिद? ज़्यादा टाइम नहीं है, प्लीज अंदर चलिए, शायद हमें साजिश का कोई क्लू मिल जाए। जस्ट लीव हिम एंड गो प्लीज। We'll be right back.
राशिद इस वक्त फैक्ट्री क्यों आए और इतना वक्त क्यों लग रहा है इन्हें? ये था इस गुड़िया फैक्ट्री की साजिश का राज। 17 साल पहले आपने यहां पे किसी का खून किया और फिर इस फैक्ट्री को आग लगा दी। वेल डन राशिद अहमद का। असद, असद देखो तुम गलत समझ रहे हो। मैं यहां वो मुझे किसी ने फोन करके यहां बुलाया था। मैं यहां आया और ये किसने फोन किया था आपको? सकता है इन्हें भी उस ब्रोकर ने फोन किया प्रोस्पेक्टिव बायर से मिलवाने के लिए। असद मेरे यकीन करो, मैंने किसी का खून नहीं किया। यकीन तो अम्मी ने भी आप पर किया था जब आपने उनसे जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था। आज मुझे सिर्फ एक बात पर यकीन है कि जो भी साजिश के पीछे उसने मेरी अम्मी पर गोली चलवाई। असद तुम्हें लगता है कि मैं दिलशाद पे गोली चलवाऊंगा? 17 साल पहले यहां पर एक शख्स ने किसी का कत्ल किया और उसकी लाश को यहीं दफना दिया गया था। और जिसने भी ऐसा किया था इतने सालों तक उसने इस राज को राज रखा। 17 साल के बाद मेरी अम्मी को एक सुरागी गुड़िया में मिला और जाहिर बात है जिसने भी ये साजिश की है वो नहीं चाहेगा कि मेरी अम्मी जिंदा रहे, तो उसने मेरी अम्मी पर गोली चलाई। और इन सब जगहों का और सब हादसों का सिर्फ एक ही इंसान से ताल्लुक है और वो है आप। मिस्टर राशिद अहमद खान, आपने अम्मी पर गोली चलाई। असद मेरा यकीन करो, ये साजिश मैंने नहीं की और ना ही मैंने दिलशाद पे गोली चलाई। काशी में साबित कर सकता एक रास्ता है। रघु सिंह जिसने फुप्पी पर गोली चलाई वो बाहर बेहोश पड़ा है, वही बता सकता है कि किसके कहने पर उसने ये सब कुछ किया। मैं किसी रघु सिंह को नहीं जानता। असद मेरा यकीन करो, मैंने दिलशाद पे गोली नहीं चलवाई। दिलशाद की कसम। और तुम जानते हो ये कसम मेरे लिए कितनी बड़ी है और मैं ये बात साबित कर सकता हूं कि ये साजिश मेरी नहीं है और ना ही मैंने दिलशाद पे गोली चलवाई। उस रघु सिंह के पास ले चलो।
आपने कहा था आप रघु सिंह को नहीं जानते, लेकिन उसके सेलफोन पर लास्ट रिसीव कॉल आप ही का है। मुझे रजिया सिद्दीकी ने यह नंबर दिया। तो मतलब 17 साल पहले वो खून आपने किया था, आपने अम्मी को मरवाने की कोशिश की और आज भी रघु सिंह को आप ही ने फोन किया था ताकि आप अपने गुनाहों का सबूत मिटा सके। इस पूरी साजिश के पीछे असली चेहरा आप ही का है। काम हो गया है। आपने अम्मी को मारने की कोशिश की। नहीं असद, तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। How dare you? अम्मी आप बीच में मत आई, इस इंसान ने आप पर गोली चलवाई थी। असद नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ये सब नहीं कर सकते। कर सकते हैं अम्मी, और उन्होंने किया भी। नहीं असद, मैंने दिलशाद पे गोली नहीं चलवाई। झूठ, सब झूठ। आप अम्मी को मैनिपुलेट करते रहे, आप कहते रहे कि आप किसी साजिश के शिकार हैं, पर वो साजिश आपने ही शुरू की थी। असद तुम गलत समझ रहे हो, सच वो नहीं है जो तुम्हें दिख रहा है। तो सच क्या है बता दे, क्यों नहीं? सच ये है कि सच क्या है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ना चाहते हुए भी मुझे खामोश रहना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए। कौन सी फैमिली? हमें तो आपने बरसों पहले छोड़ दिया था, और जो लोग अब आपकी फैमिली, आपने ये नहीं सोचा जब उन्हें पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी? और जब आपने इस इंसान का कत्ल किया तो आपने ये नहीं सोचा कि उसकी फैमिली पे क्या गुजरेगी, कि शायद उसको भी कोई याद करके रोता होगा? ये नहीं सोचा आपने? आप जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। इसे कहते हैं शय और मात। बेटा बाप का दुश्मन हो गया है, और बाप वो बेचारा तो अपनी बेगुनाही कभी साबित ही नहीं कर सकता। गुड़िया फैक्ट्री की साजिश का राज कभी बाहर नहीं आएगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि वो कत्ल राशिद मियां ने नहीं, मैंने किया है। गुड़िया फैक्ट्री में वो लाश राशिद मियां ने नहीं, मैंने डाली थी। बाप बेटे के बीच में तुमने आग तो लगा दी रसिया, लेकिन हमें खौफ है कहीं ये आग की लपटें हम तक ना पहुंच जाए। हमें होशियार रहना होगा रसिया। आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि राशिद मियां यही सोचते हैं
कि अनजाने में उनके हाथों एक कत्ल हुआ है और अब असद भी अपने बाप को कातिल ही समझेगा। सिर्फ एक मुजरिम है। असद, तुम्हें मेरी कसम। हटिया। जिस औरत की खुशी परसों पहले छीन ली थी, आज उसी औरत की वजह से मैं आपको आपकी जिंदगी के हाथ में देता हूं। लेकिन आप यह मत समझिएगा कि मैंने आपको बख्श दिया। आपके गुनाहों की सजा आपको जरूर मिलेगी, मेरा वादा। नहीं, आप जाइए अभी, आपको मेरी कसम है, जाइए।